नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आरजी टेक्निकल बॉय यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, अगर आप जो है कि कीबोर्ड का जो टाइपिंग वाला जो साउंड होता है, अगर उससे आप मतलब कि बोर हो चुके, एक ही साउंड बजता रहता है उस पर, अगर जब आप कुछ भी टाइप करते हो तो वहाँ पर एक साउंड बजता है, ठीक है। तो अगर आप उसमें जो कि अलग अगर साउंड लगाना चाहते हो, मतलब डिफरेंट लगाना चाहते हैं, अलग अलग लगाना चाहते हैं, तो आप कैसे लगा सकते हो, वही आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और यहाँ पर जो कि आप कीबोर्ड का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, बाकी आपको तो पता ही होगा कि किस तरह से जो कि स्टाइल चेंज करने वाले एप्लीकेशन बहुत सारे आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो कि इसमें आप स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, उसके बाद आप उसके साथ साथ ही आप इसमें ट्यून भी चेंज कर सकते हैं, जो उसका साउंड होता है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो कि आपको बहुत सारे साउंड मिलेंगे जो कि आप लगा सकते हैं अपने कीबोर्ड में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हो, ले चलता हूँ अपने फ़ोन के स्क्रीन पे और वहाँ पर जो है कि आपको अच्छी तरह से समझा देता हूँ कि किस तरह से जो है कि आप अपने कीबोर्ड का जो टाइपिंग साउंड होता है। सो फ्रेंड्स, अभी जो कि मैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पे आ चुका हूँ और अभी यहाँ पर जो कि आपको दिखा देता हूँ कि आप कीबोर्ड की जो ट्यून होती है, मतलब टाइपिंग वाला जो ट्यून होता है, अगर वो चेंज करना चाहते हो तो आप कैसे चेंज कर सकते हो, जो साउंड होता है, ठीक है, टाइपिंग साउंड, वो आप कैसे चेंज कर सकते हो अलग अलग। तो यहाँ पर जो है कि सिंपली आपको इस एप्लीकेशन की ज़रूरत लगेगी। इस एप्लीकेशन का नाम है गो कीबोर्ड और इस ऐप की लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से इसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ी देर सिर्फ वेट करना होता है, उसके बाद ये अलाउ कर देना है, इसको हमें परमिशन दे देनी है। और उसके बाद यहाँ पर जो है कि स्विच टू गो कीबोर्ड जो लिखा है, यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ से आपको कीबोर्ड सिलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पर गो कीबोर्ड को सिलेक्ट करना है आपको, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से इसी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो है कि आपको ओके कर देना है। ऐसे आप कीबोर्ड जो है कि चूज़ कर लीजिएगा कि किस तरह से जो कि आपको कीबोर्ड चाहिए है। तो यहाँ पर जो कि मुझे ये वाला चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद फिर आपको यहाँ पर थोड़ी देर सिर्फ वेट करना होगा। फिर आपको यहाँ पे आप देखेंगे स्टार्ट फ्री ट्रेलर जो लिखा है, यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको जो कि बैक आना है, यहाँ से आप देख सकते हैं जो कट का ऊपर देखेंगे आइकन है, यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है, इसे भी कट कर देना है और ये भी कट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेटिंग को समझा देता हूँ, तो ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। मेन यही है इस एप्लीकेशन का। तो यहाँ से आप क्या क्या कर सकते हैं, एक तो थीम चेंज कर सकते हैं, जो कीबोर्ड है वो अलग अलग टाइप का होगा, और बैकग्राउंड डाल सकते हैं कीबोर्ड में, जो फ़ोटो वगैरह आप अपनी या किसी की लगा सकते हैं, ठीक है, स्टिकर वगैरह लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप जो कि और इमोजी वगैरह से ऐड कर सकते हैं, फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो मेन मकसद है वो साउंड का, तो यहाँ पर मैं साउंड पर क्लिक कर देता हूँ। साउंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको बहुत सारे मिलेंगे। तो यहाँ पर कैटेगरी बनी हुई कि किस तरह की जो है कि आपको साउंड चाहिए हुई चाहिए है आपको। तो यहाँ पर जैसे मैं वाटर ड्रॉप पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से जैसे कि टाइप करके आप देख सकते हैं कि किस तरह से आवाज़ आएगी, तभी मैं आपको सुना देता हूँ। तो अभी तो ये बहुत स्लो है, आपको नहीं सुनाई दे रहा होगा, इसकी जो वॉल्यूम है ना बहुत ही स्लो है। और यहाँ पर जैसे मैं वुड पे कर देता तो इस तरह से आएगी, यहाँ पर जो कि आवाज़ बहुत साइलेंस है इसमें, मतलब कि आपको ज़्यादा जो कि सुनाई नहीं देगी। यहाँ पे आप जैसे आप जब टाइप करेंगे जब भी सुनाई देगी। और यहाँ पर मैं आपको लोकली चेक कर देता हूँ, तो इस तरह से मुझे ये वाटर ड्रॉप बहुत अच्छी लगती है। ये आवाज़ थोड़ी मेरी स्लो भी है और इसमें भी, और इसमें आवाज़ बहुत स्लो है, ठीक है। और यहाँ पे टाइपिंग वाला टाइपराइटर की तरह भी आप जो कि अपने कीबोर्ड की जो साउंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा कब आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। और एक बात मैंने बोल दी, इसमें जो कि वॉल्यूम यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं, वो फिर तो मैं बढ़ा देता हूँ। यहाँ से आप देखेंगे आप वॉल्यूम कैसे बजती है। यहाँ से की प्रेस वाइब्रेशन भी आप ऑन कर सकते हैं, तो यहाँ से इसे भी ऑन कर देना आपको। तो यहाँ से अभी हम जो थोड़ा वाइब्रेशन भी ऑन कर देते हैं, अब बैक आते हैं, अब मैं आपको सुनाता हूँ, देख सकते हैं अभी। और उसके बाद यहाँ पे टाइपराइटर, अब आपको साफ सुनाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये सब जो है कि आप लगा सकते हैं, जो भी आपको अच्छी लगती है ना वो आप
अपना लगा दीजिएगा टोन जो भी आपको अच्छा लगता है। देख सकते जिससे मैंने आपको चेक करके दिखा दिया, तो अभी मैं वाटर ड्रॉप पे क्लिक कर देता हूँ और ये मुझे अच्छा लगा। उसके बाद अब जो कि मैं बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद जो कि आप किसी भी ऐप में जाइए, कहीं भी जाइए आप, वहाँ पर जो कि आपको टाइप करेंगे तो आपका जो कि यही साउंड बजेगा। तो यहाँ पर जैसे मैं व्हाट्सएप पे आ चुका हूँ और यहाँ पर जैसे कुछ भी अगर मैं लिखता हूँ, देख सकते हैं जो कि इसका टून है ना, जो साउंड है वो बहुत मस्त है। तो इस तरह से जो कि आप भी अपने फ़ोन में एक्टिवेट कर सकते हैं, जो अलग अलग इसमें आपको ट्यून्स देखने के लिए मिल जाती हैं। नहीं तो सिंपली फ़ोन जो होते हैं उसमें जो कीबोर्ड की ट्यून होती है वो एक ही रहती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर हम चैनल पर पहली बार आए थे तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।